नमस्कार। कक्षा तृतीय है, विषय हिंदी। हिंदी में आज पढ़ाया जाएगा पाठ 7, जिसका शीर्षक है रंगों का त्यौहार होली। एक दिन की बात, सुबह का समय था। एक बालक, इसका नाम शिवम था, वह सुबह को उठा और उसने देखा कि हमारे चारों ओर का वातावरण बदला हुआ सा है। गलियों में सफाई, घरों में सफाई, घर बिल्कुल साफ सुथरे, स्वच्छ वातावरण, लोगों के घरों में रंग, पिचकारी आदि थी। उसको देख करके बच्चे के मन में जिज्ञासा हुई कि ये कौन सा त्यौहार है। वह अपने दादाजी के पास गया और दादाजी से पूछा कि आज क्या त्यौहार है, आज का वातावरण बदला हुआ क्यों है। उसकी जिज्ञासा को सुनकर के दादाजी ने बताया, बेटा कल होली का त्यौहार है और ये है त्यौहार फागुन मास में आता है। फागुन मास की पूर्णिमा को होता है, रात को होली जलाई जाती है और सुबह फिर लोग रंग खेलते हैं, थाप बजाते हैं, गीत गाते हैं, संगीत का आयोजन होता है, एक दूसरे से गले मिलते हैं। सुबह को आप मेरे साथ चलना, मैं आपको होली के आनंद के बारे में जानकारी दिलाऊंगा। वह बच्चे के मन में एक जिज्ञासा हुई कि इस त्यौहार को हम क्यों मनाते हैं। तो दादाजी ने बताया कि प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था, उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, वह भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसके पिताजी को, हिरण्यकश्यप को, तपस्या करने से अनेक वरदान प्राप्त हुए प्रभु के द्वारा कि मैं 12 महीने में से किसी भी महीने में ना मरूं, किसी दिन ना मरूं, ना रात को मरूं, ना सुबह को मरूं, ना शाम को मरूं, ना दिन में मरूं, ना बाहर मरूं, ना अंदर मरूं। तो ऐसे वरदान पाने के कारण वह अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगा। उसने प्रहलाद से कहा कि तुम विष्णु की पूजा मत करो। प्रहलाद विष्णु भक्त था, वह तो पूजा करता भगवान की, छुप करके पूजा करता था। तो पिता को पता चला, पिता ने उसे अनेक प्रकार की यातनाएं दीं। उन यातनाओं से वह जीवित बचा। अंत में नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उन्होंने देहली पर बैठा करके, नरसिंह भगवान ने उसको देहली पर बैठा करके, नरसिंह का मतलब आधे शेर के रूप में थे, आधे मनुष्य के रूप में थे, और उन्होंने उसके पेट को फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप को ख़त्म कर दिया था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। वह उसको एक अग्निरोधी वस्त्र था उसके पास, और उसको ये वरदान प्राप्त था कि यदि वह अग्नि में बैठ जाएगी तो वह नहीं जलेगी। उसने अपने भाई से कहा कि मैं अपने आपके इस पुत्र को लेकर के बैठ जाती हूँ, मैं बच जाऊँगी और ये जल जाएगा। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि वह अग्नि में बैठ गई और होलिका तो जल गई, प्रहलाद बच गए। तब से यह त्यौहार होलिका के रूप में मनाया जाता है। जब होली जला दी जाती है उसके बाद रंग खेला जाता है, बच्चे आनंद लेते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, गुंजिया बनती हैं। उसके बाद इसका एक दूसरा कारण उन्होंने पूछा, इसका और कारण भी हो सकता है दादाजी। तो उन्होंने बताया कि बेटा, किसान आदमी के गेहूं की फसल पक जाती है और धन धान को देख करके किसान प्रफुल्लित होता है,
इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। इसीलिए इस त्यौहार पर लोग होलिका के चारों ओर बाल अपने गन्नों में बाल बांध करके भूनते हैं, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और खुशी में लोग एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, गले मिलते हैं, गुंजिया खाते हैं, खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। बच्चे को दादाजी की बात बहुत अधिक समझ में आई और वह समझ गया कि होली का त्यौहार एक आनंद और उमंग का त्यौहार है, एक आनंद और उमंग का त्यौहार है। इस त्यौहार को हम आनंद और उमंग के साथ मनाते हैं, इसलिए इशारा कर दिया। हम इस पाठ से संबंधित आपको कुछ कठिन शब्द उनका अर्थ बता रहे हैं। सब बच्चे ध्यान से देखें, सुनें और समझें और याद करें। प्राचीन का मतलब होता है बेटा पुराना। जी, उसके बाद होता है स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का मतलब होता है जायकेदार, जायकेदार। अग्निरोधी होता है आग में न जलने वाला। धान कहते हैं अन्न को, अन्न। और टोली माने समूह या झुंड। प्राकृतिक माने कहते हैं प्रकृति में होने वाला, प्रकृति प्रकृति में होना ने वाला। प्रसिद्ध माने होता है मशहूर। कृत्रिम माने होता है बनावटी। इस प्रकार हमने आपको कठिन शब्दों के बारे में बताया। बाकी शेष अभ्यास कार्य आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा।